दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जितने भी बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट थ्री के स्टूडेंट हैं जो इस साल डिग्री पार्ट थ्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन दोस्तों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, खुशखबरी को बताने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे यूनिवर्सिटी का जो भी इन्फॉर्मेशन आता है वो सबसे पहले अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये जो इन्फॉर्मेशन है ये डिग्री पार्ट थ्री के रिजल्ट को लेकर के है। तो आपको मैं बता दूँ दोस्तों कि आपका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है और कितने तारीख को आने वाला है उसके बारे में मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा और क्यों आएगा इतने तारीख को रिजल्ट उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि लाइक करने से ही मेरा मनोबल बढ़ता है और आप लोगों के प्रति मैं अच्छा अच्छा वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ। अब चलिए डिग्री पार्ट थ्री का जो इन्फॉर्मेशन आया है उसे पढ़ लेते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तृतीय खंड का रिजल्ट 15 मई तक, ये आप देख सकते हैं, ये जो न्यूज है ये दरभंगा का है और 15 मार्च 2019 का ये न्यूज़पेपर है दैनिक जागरण। दोस्तों, इस न्यूज़ पे मुझे भी काफ़ी शक हुआ कि नहीं ये फेक है, लेकिन मैं जब यूनिवर्सिटी कॉल किया तो मुझे ये बताया गया कि 15 मई तक रिजल्ट आने की पुष्टि कर दी गई है। तो आपको 15 मई तक रिजल्ट ज़रूर आएगा। इसके लिए आपका जो परीक्षा विभाग के जो कुलपति है वो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिंह जो है वो पुष्टि कर दिया है कि जितने भी 2019 में एग्ज़ाम होंगे उसका रिजल्ट ससमय आपको दे दिया जाएगा और 2019 में जितना भी एग्ज़ाम होगा उसका डिग्री, जितना भी डिग्री होगा वो उसी साल सभी को दे दिया जाएगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ा अच्छा कदम उठाया हमारे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने। दोस्तों, इसमें आपको पता चल गया होगा क्यों दे रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जुलाई में ही पीजी का नया सत्र शुरू होगा, इसीलिए आपको 15 मई तक रिजल्ट दे दिया जाएगा। दोस्तों, इसमें बहुत जानकारी यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है, आपको पढ़ना है अच्छी तरह से। अगर मैं पढ़ने लगूँगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो इसीलिए आपको वीडियो को रोक करके सभी सही तरह से पढ़ लेना है, इस सबको सभी को पढ़ लेना है। यदि आपको ये पेपर चाहिए तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गया स्नातक तृतीय खंड के रिजल्ट के बारे में। और बहुत सारे दोस्त हमें जो डिग्री पार्ट टू में है वो बोल रहे हैं कि सर डिग्री पार्ट टू का एग्ज़ाम कब होगा, और बहुत सारे दोस्त जो हैं वो अफवाह फैला रहे हैं कि 10 मई से एग्ज़ाम चालू होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, और जितना भी आप न्यूज़ अभी पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा फेक पढ़ रहे हैं। पिछले साल का ये जो आप देख रहे होंगे कि 10 तारीख से जो एग्ज़ाम होगा डिग्री पार्ट थ्री टू का वो फेक है, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। इस चैनल पे मैं जो भी अपलोड करता हूँ वो सही सही, तो आपको पता चल गया होगा कि मैं जो आप 10 तारीख वाला न्यूज़ देख रहे हैं पिछले साल वाला, वो अपने चैनल पे अभी तक मैंने अपलोड इसीलिए नहीं किया कि वो फेक है और 100% फेक है। जब भी नया इन्फॉर्मेशन अच्छा जो सही होगा वो मैं अपने चैनल पर सबसे पहले अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ससमय तुरंत नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी का पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा कर रखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।